आगरा में भारतीय वायुसेना की परिवहन विमान विनिर्माण परियोजना का करेंगे शिलान्यास। प्रधानमंत्री की प्रमुख उद्योगपतियों से भी होगी मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार करेंगे साझा। दूरदर्शन और आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर होगा सीधा प्रसारण। हिमाचल में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जारी। भाजपा के 32 स्टार प्रचारक सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों से जनसभाओं के साथ अपना विजय संकल्प अभियान करेंगे शुरू। अन्य पार्टियों ने भी प्रचार में झोंकी ताकत। नाम वापसी के बाद 413 उम्मीदवार मैदान में। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता की स्थिति खराब श्रेणी में बरकरार। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 374, नोएडा में 359 जबकि गुड़गांव में 354 दर्ज। दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में भगदड़ में मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर हुई 151। इटीवोन जिले में प्रसिद्ध नाइट लाइफ क्षेत्र में हेलोवीन उत्सव मनाने के दौरान हुई भगदड़ में 75 से अधिक लोग घायल। आईसीसी T20 विश्व कप में आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगी भिड़ंत। विजेता टीम अंतिम चार के लिए अपनी दावेदारी को करेगी और मजबूत। भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने फ्रेंच ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में बनाई जगह। सेमीफाइनल में भारतीय जोड़ी ने कोरियाई जोड़ी को दी मात। देश के विभिन्न हिस्सों में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है सूर्य उपासना का महापर्व छठ। चार दिन के छठ पर्व अनुष्ठान के तीसरे दिन श्रद्धालु आज अस्तांचलगामी सूर्य को अर्घ्य करेंगे अर्पित। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के बड़ोदरा में भारतीय वायुसेना के लिए C-295 MW परिवहन विमान विनिर्माण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। यह अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें सैन्य विमान का विनिर्माण एक निजी कंपनी करेगी। ये विमान असैन्य उद्देश्यों के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है। इस अत्याधुनिक परिवहन विमान की क्षमता 5 से 10 टन होगी। प्रधानमंत्री की प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात भी होगी। 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री गुजरात के वडोदरा में पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री यहां प्रमुख उद्योगपतियों के साथ रूबरू होंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री वडोदरा में टाटा एयरबस के एक प्लांट का शिलान्यास करेंगे जिसमें भारतीय वायुसेना के लिए C-295 परिवहन विमान निर्मित होंगे। प्रधानमंत्री के वडोदरा आगमन के अवसर पर यहां के लोग काफी उत्साहित हैं। उनका कहना है कि मोदी भारत में दुनिया का नाम रोशन कर रहे हैं। मोदी साहब ने इतना बढ़िया काम किया है, जो आदमी 18 घंटे काम करता है और जब दिन उगता है, जब दिन में तो भी सोचता है मेरे देश का कैसे मैं बड़ा करूं, मेरे देश कैसे आगे जाए, तो आज दुनिया में भारत देश 5वें नंबर पे आ गया है, इंग्लैंड से भी आगे आ गया है। वो मोदी की कमाल है। और अभी आप लोग सब देखते हो टीवी में, पुतिन ने उनका प्रेस किया, उनके साथ उनके लिए अच्छे शब्द बोले। आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी सरकार जो काम कर रही है कहीं ना कहीं बहुत गौरवान्वित है, युवाओं को प्रेरणा देती है और युवा बहुत उत्साहित है बिकॉज इसके चलते नए स्टार्टअप्स को कहीं ना कहीं काम मिला है, प्रेरणा मिली है। टाटा एयरबस की ओर से C-295 के 40 विमान बनाने के अलावा वडोदरा में वायुसेना की आवश्यकताओं और निर्यात के लिए अतिरिक्त विमानों का निर्माण भी किया जाएगा। यहाँ के लोगों का मानना है कि इससे मेक इन इंडिया को काफी बल मिलेगा। इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है नरेंद्र मोदी का, वो बहुत ही अप्रिशिएबल है और इनसे जो ग्राउंड लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं उनमें और खास करके बड़ौदा और गुजरात में जो इफेक्ट दिख रहा है, जो रोजी रोटी लोगों को मिल रही है, वो शायद से बाकी के जो भी स्टेट्स हैं उनके कंपैरिजन में बहुत अच्छी है। प्रधानमंत्री जो आ रहे हैं, हमने सबने सुना है कि वो जो एयरक्राफ्ट कार्गो का जो प्रोजेक्ट है वो बड़ी मात्रा में 40,000 करोड़ का वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यहाँ पे,
तो उससे सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और सेकेंडली, हम पहले डिफेंस सेक्टर था हमारा, वो हम इम्पोर्ट कर रहे थे, अब यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेंगे और वो एक्सपोर्ट भी करेंगे, तो उससे क्या होगा, फर्स्ट हमारा जो पॉलिटिकली स्टैंड है, डिफेंस स्टैंड है पूरे वर्ल्ड में, वो बढ़ेगा। भारत में निर्मित विमान की आपूर्ति 2026 से शुरू हो जाएगी, जबकि स्पेन से हमें पहले 16 विमान 2023 से 2025 के बीच मिलेंगे। आने वाले समय में भारतीय वायुसेना C-295 परिवहन विमान की सबसे बड़ा ऑपरेटर बन जाएगी। ये पहला मौका है जब यूरोप के बाहर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 का निर्माण बड़ोदरा में होगा और प्रधानमंत्री उस प्लांट का शिलान्यास करने जा रहे हैं। तो भारत के लिए आने वाले समय में ये प्लांट एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, खास तौर से डिफेंस सेक्टर में। कैमरामैन अजीत के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, बड़ोदरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी मन की बात का प्रसारण होगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में नाम वापस लेने के बाद अब 68 विधानसभा सीटों के लिए कुल 413 उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह गए हैं। नामांकन वापसी के अंतिम दिन कल 92 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिया। कांग्रेस के 8 बागी उम्मीदवारों ने नामांकन वापस लिया है। नामांकन वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही सभी उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का बिगुल बजते ही सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। हिमाचल प्रदेश में उम्मीदवारों की सूची जारी करने के बाद पार्टियां चुनाव प्रचार के लिए मैदान में हैं। भाजपा आज से विजय संकल्प अभियान के माध्यम से हिमाचल में औपचारिक रूप से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेगी। भाजपा के 32 स्टार प्रचारक सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों से जनसभाओं के साथ अपना विजय संकल्प अभियान शुरू करेंगे। आज भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे। जेपी नड्डा आज काजा में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम मन की बात सुनेंगे। इसके बाद नड्डा काजा में ही विजय संकल्प जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर में भाजपा अध्यक्ष मनाली में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचेंगे, जहां वो जनसभा ग्राउंड में एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। शाम को जेपी नड्डा कुल्लू में भी एक जनसभा करेंगे। निर्वाचन आयोग चुनाव प्रबंधन निकायों की भूमिका, रूपरेखा और क्षमता विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ये सम्मेलन 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसका उद्घाटन मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार करेंगे। समापन सत्र की अध्यक्षता निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे करेंगे। आयोग ने चुनाव अखंडता पर समूह के नेतृत्व के रूप में एक सहयोगी दृष्टिकोण अपनाते हुए ग्रीस, मॉरिशस और इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स IFES को सह नेतृत्व के लिए आमंत्रित किया है। इस सम्मेलन में 3 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों IFES, अंतर्राष्ट्रीय आइडिया और UNDP सहित 11 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों के लगभग 50 प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है। और यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। Hey guys! Hey, congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में रतले विद्युत परियोजना में भूस्खलन की घटना हुई है। इस घटना में मलबे में एक JCB चालक दब गया और उसको बचाने गई रेस्क्यू टीम भी मलबे में दब गई। घटना में एक व्यक्ति मारा गया है, 5 लोग घायल हो गए और कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। उपायुक्त किश्तवाड़ ने बताया कि घटनास्थल पर पुलिस और सेना का बचाव अभियान चल रहा है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ट्वीट कर बताया कि स्थानीय अधिकारी से बात हुई है, एक व्यक्ति की मौत हुई है, 6 लोग बचाव दल के दबे हुए हैं, बचाव अभियान जारी है।
एक पत्थर आया था मशीन के ऊपर, उसका जो ऑपरेटर था वो दब गया था उसी में। वो मेरे गांव का ही था, मेरा चाचा लगता था। हम उसकी डेड बॉडी को निकालने के लिए गए थे, उसकी डेड बॉडी को भी निकाल के तकरीबन 2 मिनट का गैप रहेगा। डेड बॉडी उठा करके वह बक्से में डाल रहे थे, उतनी देर में ऊपर से स्लाइड आ गई। वायु प्रदूषण में लगातार इजाफा होने के चलते दिल्ली के साथ साथ एनसीआर में भी हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता की स्थिति खराब श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली में आज वायु गुणवत्ता सूचकांक 374 के आसपास दर्ज किया गया। नोएडा में वायु गुणवत्ता सूचकांक 360 रहा, तो वहीं गुरुग्राम में वायु गुणवत्ता सूचकांक 356 के आसपास दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली एनसीआर में अगले कुछ दिनों के दौरान हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी रहेगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में वायु की बिगड़ती गुणवत्ता की समस्या से निपटने के लिए भवन निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की उप समिति ने चरणबद्ध राहत कार्रवाई योजना के अंतर्गत ये प्रतिबंध लगाया है। आयोग ने कल समग्र वायु गुणवत्ता मानकों की व्यापक समीक्षा बैठक के दौरान ये निर्णय लिया। आयोग ने कहा कि प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों और पराली जलाने की घटनाओं में अचानक वृद्धि के कारण पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ये प्रतिबंध लागू किए गए हैं। आयोग ने नागरिकों को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और खुले में वस्तुओं को न जलाने की भी सलाह दी है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान के अंतर्गत राजधानी के नेहरू नगर में दिल्ली नगर निगम टीबी अस्पताल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने टीबी मुक्त दिल्ली ऐप लॉन्च किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान के अंतर्गत टीबी मरीजों को पोषक आहार का वितरण भी किया गया। इस मौके पर उपराज्यपाल सक्सेना ने कहा कि दिल्ली नगर निगम ने देश में 2025 तक टीबी उन्मूलन की दिशा में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान में सक्रिय भागीदारी का संकल्प लिया है। स्वास्थ्य संगठन WHO ने सन 2030 तक टीबी मुक्त विश्व का लक्ष्य रखा था, लेकिन इस बीमारी की भयावह स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत इसे 2025 तक दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में शनिवार को मेगा पीटीएम आयोजित की गई। दिल्ली में नगर निगम के 1,535 स्कूल हैं। काफी संख्या में बच्चों के साथ उनके माता पिता भी स्कूलों में पहुंचे। कैसी रही एमसीडी की ये मेगा पीटीएम और क्या कहना है बच्चों के माता पिता का स्कूल और शिक्षकों के बारे में, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में मेगा पीटीएम का आयोजन किया गया है। इस समय हम मौजूद हैं पूर्वी दिल्ली के किशन कुंज प्राइमरी स्कूल में। यहाँ की प्रधानाचार्य साधना शर्मा जी हमारे साथ हैं। मैडम, किस तरह का आज पीटीएम का आयोजन किया गया है? आज हमारे स्कूल में 9 बजे से 11 बजे तक का पीटीएम का आयोजन था, जिसमें पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ स्कूल में आना था और लगातार बच्चे जो हैं अपने माँ बाप के पेरेंट्स के साथ विद्यालय में आ रहे थे और उनको टीचर से उनके प्रोग्रेस के बारे में जानकारी दी गई है। हर बच्चे की जो है टीचर से अलग से इंडिविजुअली जो है इंटरेक्ट करवाया गया, ताकि पेरेंट्स को अपने बच्चों के बारे में सही जानकारी मिल सके कि वो किस लेवल पर हैं। कुछ अभिभावक भी हमारे साथ हैं, बात करते हैं, आप बताइए। अच्छा है, बहुत रिस्पॉन्स अच्छा है, बच्चों को पढ़ाई अच्छी मिल रही है, बुक्स मिलती है इन्हें अच्छी, और खाने पीने का व्यवहार अच्छा है इनका, यहाँ का सब टीचर्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ की पढ़ते हैं बहुत बढ़िया पढ़ते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, मैम भी अच्छी है, उनका स्वभाव भी अच्छा है, पढ़ाती भी अच्छा है। बच्चे अगर बिक जा रहे तो मैम बताती है आपके बच्चे पढ़ाई में भी ध्यान नहीं दे रहे, आप उस पर फोकस करो, और वैसे सब कुछ बढ़िया है। जहाँ बच्चों को भेजता हूँ तो ऐसा लगता है कि हाँ मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। चार साल के अंदर मैं जो भी देख रहा हूँ पूरा अच्छी है, पढ़ाई भी बहुत ध्यान से हो रहा है। मेरी पति चौकीदारी काम करते हैं और यहाँ स्कूल में भी मेरी बच्ची का अच्छी तरह से एडमिट हो गया है, सब
मैडम सर को सबको बधाई। हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, हमें काफ़ी खुशी है। जैसे कोरोना टाइम की वजह से बच्चों की पढ़ाई जो थी वो रुकी हुई थी, और यहाँ टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा कवर कराया है अभी इस टाइम पे, और पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे लेवल पे चल रही है, और हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो हमें भरोसा है कि आगे चल के वो कुछ अच्छी पोजीशन पे होंगे। आप क्या बनाना चाहते हैं अपने बच्चे को? सर टीचर बनाना चाहेंगे हम तो। जब से यहाँ मैंने एडमिशन करवाया तो काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है, बच्चे अपने मतलब समझ से हो गए कि हमें जो रोज़ सुबह स्कूल के उठकर जाना है तो जाना स्कूल जाना है। आपकी राय क्या है? नहीं, बहुत अच्छा है, हमारे बच्चे बहुत पढ़ लिख रहे हैं, रिस्पॉन्स बहुत अच्छी दी जा रही है स्कूल की। अभिभावक तो काफ़ी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं अपने बच्चों को इन दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में भेजकर। यहाँ अभिभावकों का कहना है कि स्कूल के शिक्षक से लेकर स्कूल प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई देता है, बच्चों पर पूरी तरह से ध्यान भी देता है। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा 7वें इंडिया वाटर वीक 2022 का गवाह बनने जा रहा है। 1 नवंबर से 5 नवंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में तकरीबन 1500 से भी ज्यादा प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन करेंगे। 1 नवंबर से 5 नवंबर तक ग्रेटर नोएडा में आयोजित होगा 7वां इंडिया वाटर वीक 2022। राष्ट्रपति स्वयं इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, साथ में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भी मौजूद होंगे। तकरीबन 22 देशों के 1500 प्रतिभागी इस आयोजन में हिस्सा लेंगे। कोविड के बाद पहली बार इंडिया वाटर वीक इतने बड़े स्तर पर मनाया जाएगा। एक नॉलेज प्लेटफॉर्म की तरह इस इंडिया वाटर वीक की स्थापना 2012 में की गई थी, तब से निरंतर आगे बढ़ते हुए प्रगति करते हुए 2022 में हम 7वीं बार इंडिया वाटर वीक का आयोजन कर रहे हैं। मैं ये विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि अब की बार के इस आयोजन से निश्चित रूप में आने वाले समय में भारत की आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण घटक पानी को लेकर बहुत अच्छी चर्चाएं भी होंगी और बहुत लाभकारी चर्चाएं भी होंगी। 2012 से इस कार्यक्रम का आयोजन जल से जुड़े मुद्दों के व्यापक समाधान को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। इस बार की थीम वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इक्विटी रखा गया है। इसमें कई नवोन्मेष की प्रदर्शनी लगाई जाएगी, कई सम्मेलन पैनल डिस्कशन आयोजित किए जाएंगे। आयोजन के जरिए कोशिश है तकनीक के इस्तेमाल से जल समस्याओं का जमीनी समाधान निकाला जा सके। चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। केंद्र सरकार ने घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता में वृद्धि और मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए चीनी निर्यात पर प्रतिबंध एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी ये प्रतिबंध 31 अक्टूबर 2023 तक लागू रहेगा। इससे पहले चीनी निर्यात पर प्रतिबंध इस वर्ष 31 अक्टूबर तक लगाया गया था। बढ़ती महंगाई के बीच भारत में चीनी के मूल्यों को कम करने के लिए सरकार कई प्रयास कर रही है। ये प्रतिबंध अमेरिका और यूरोपीय संघ को निर्यात की जाने वाली चीनी पर लागू नहीं होगा। एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं। paisabazaar.com पर लोएस्ट इंटरेस्ट रेट वाला लोन भी है और मैक्सिमम लोन अमाउंट वाला भी। ये सब और बहुत सारे लोन ऑप्शंस मिलेंगे सिर्फ paisabazaar.com पर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में भगदड़ में मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 151 हो गई है। कल शाम हैलोवीन उत्सव के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए थे। इटीवोन जिले में प्रसिद्ध नाइट लाइफ क्षेत्र में हैलोवीन उत्सव मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए थे। यहां मची भगदड़ के दौरान 75 लोग घायल हो गए। सोल के योंगसन दमकल विभाग के प्रमुख ने कहा कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। पुलिस ने सोल के इटीवेन को बंद कर दिया है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने आपातकालीन बैठक कर घायलों के इलाज में मदद के लिए एक टास्क फोर्स गठित करने का आदेश दिया। साथ ही देश में राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। आतंकवाद की चुनौती से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की आतंकवाद निरोधी समिति की भारत में 2 दिन की बैठक शनिवार को खत्म हो गई। मुंबई और दिल्ली में हुए इस 2 दिन के मंथन में तमाम बड़े मसलों पर सहमति बनी तो आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने पर जोर भी दिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की आतंकवाद निरोधी समिति की 2 दिनों की भारत में चल रही बैठक का शनिवार को आखिरी दिन था। इसमें दुनिया में आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए गहन मंथन हुआ।
दूसरे दिन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद मानवता के ऊपर सबसे बड़े खतरों में से एक है। यूएनएससी ने पिछले दो दशकों में आतंकवाद जैसे खतरे से निपटने के लिए कई प्रभावी काम किए हैं। The UN Security Council in the past two decades has evolved an important architecture built primarily around the counter-terrorism sanctions regime to combat this menace. This has been very effective in putting those countries on notice that had turned terrorism into a state-funded enterprise. Despite this, the threat of terrorism is only growing and expanding, particularly in Asia and Africa. विदेश मंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में आतंकवादी समूहों ने विशेष रूप से खुले और उदार समाजों में तकनीक तक पहुंच प्राप्त करने की अपनी क्षमताओं को बढ़ाया है। आतंकवादी गुट स्वतंत्रता, सहिष्णुता और प्रगति पर हमला करने के लिए खुले समाज की तकनीक, धन और लोकाचार का उपयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आतंकवादियों के लिए एक टूलकिट बन गई है। इंटरनेट एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैव टर्न्ड इनटू पोटेंट इंस्ट्रूमेंट्स इन द टूलकिट ऑफ टेररिस्ट एंड मिलिटेंट ग्रुप्स फॉर स्प्रेडिंग प्रोपेगेंडा, रेडिकलाइजेशन एंड कॉन्स्पिरेसी थियोरीज एम्ड एट डिस्टेबलाइजिंग सोसाइटीज। भारत की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक का एजेंडा है कि कैसे आतंकवादियों की बढ़ती क्षमताओं को रोका जाए, आतंकी संगठनों को होने वाले वित्त पोषण पर कैसे लगाम लगाई जा सके। Well, without a doubt, this is an excellent initiative taken by the government of India, and I think all participants are unanimous that this was a very timely initiative and very much in sync with India's priorities, which had listed terrorism even as India got into the council the eighth time last year. इस वैश्विक बैठक में यूएन के तमाम सदस्य देशों समेत कई एजेंसियों के प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक में हिस्सा लेने वाले तमाम वैश्विक नेताओं ने भी इस बैठक को सार्थक बताया और बदलती परिस्थितियों में मिलकर काम करने की बात कही। The conversation was very enriching. We learned today from some of the brightest minds from Meta, from the GIFCT, from Google, from civil society. One of the things that come up from many of the discussions today is that for anything to be effective, we need the public and the private to work together. इस महत्वपूर्ण बैठक के इतर भारत ने पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद के वित्त पोषण के बावजूद इसको FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर होने पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाना इस बात का संकेत नहीं कि वो अब जांच के दायरे से बाहर हो चुका है। The FATF process also has a certain amount of continuity. So once you are off a grey list, doesn't mean you're not under any scrutiny. I'm sure the international community through the FATF process and the other counter-terrorism platforms would scrutinize countries. And we, of course, will always have maintained our vigil, and we are being alert, and we'll continue to be doing so in the coming future. शुक्रवार को भी संयुक्त राष्ट्र संघ की आतंकवाद निरोधी समिति की बैठक मुंबई में हुई थी, जिसमें भारत की अगुवाई में तमाम देशों के प्रतिनिधियों ने आतंकवाद के हर स्वरूप को रोकने पर मिलकर काम करने पर सहमति बनाई थी, जिसको आगे बढ़ते हुए शनिवार को दिल्ली में हुई बैठक के बाद दिल्ली डिक्लेरेशन जारी किया गया। इस डिक्लेरेशन में आतंकवाद के हर रूप को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए इसे किसी धर्म और राष्ट्रीयता के साथ नहीं जोड़े जाने पर जोर दिया गया। मेघना देव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TD न्यूज। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति CTC के प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इन सभी प्रमुखों ने संयुक्त राष्ट्र संघ की आतंकवाद निरोधी समिति की दो दिन की भारत में चल रही बैठक में हिस्सा लिया, जिसमें दुनिया में आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए गहन मंथन हुआ। इस मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति ने सभी प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवाद के सभी प्रारूपों से लड़ना भारत की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है। We have a national commitment to fight the evil of terrorism in all its forms and manifestations. As the world's largest democracy, with one of the most open and diverse societies in the world, India has been a victim of terrorism for decades. That is why India has adopted a zero tolerance approach to terrorism. The international community must come together to bring the perpetrators and sponsors of terrorism to justice.
आईसीसी टी20 विश्व कप में आज भारत दक्षिण अफ्रीका के साथ मुकाबला खेलने उतरेगा। सेमीफाइनल की रेस से पहले यह मुकाबला कई मायनों में क्वार्टर फाइनल की तरह देखा जा रहा है। इस मुकाबले को जो भी जीतेगा वो अंतिम चार के लिए अपनी दावेदारी को और मजबूत कर लेगा। आस्था का महापर्व छठ देश के विभिन्न भागों में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। चार दिन के छठ पर्व अनुष्ठान के तीसरे दिन आज श्रद्धालु अस्तांचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे। विक्रम संवत के कार्तिक माह में मनाया जाने वाला छठ पर्व जीवन के लिए सूर्य और धरती के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर है। चार दिन की छठ पूजा का समापन कल उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पण के साथ संपन्न होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ की बधाई दी। पीएम ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि सूर्यदेव और प्रकृति की उपासना को समर्पित महापर्व छठ की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भास्कर की आभा और छठी मैया के आशीर्वाद से हर किसी का जीवन सदैव आलोकित रहे, यही कामना है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार। समाचार के प्रायोजक